أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। अस्सलामुअलैकुम। वो पढ़ रहा था तो थोड़ा मुस्कराया, इसलिए कि वो जो चीज़ ढूंढ रहा था ना, वो जब सुरकुल हुवल्लाहु अहद पे आया ना, तो वो चीज़ मेरे जो हल था ना, वो 7-8 का वो निकल आया। ठीक है, तो इब्राहिम या वो जो मैसेंजर जो बिल्कुल अल्लाह के लिए खड़े हो गए, जिन्होंने वहदनीयत को बरकरार रखा और वन फैमिली ऑफ द गॉड जो मैसेज था वो लेके कामयाब हुए, तो उसको 7 बोलते हैं, वो जो अल्लाह के नीचे होते हैं वो लोग। तो खुदा नहीं होते वो, खुदा के होते हैं। बस यही मसला जो था हम लोगों का ना, हमने खुदा बना लिए हैं लेकिन वो खुदा के थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो इस वक्त हम खुदा की जितने भी मज़हब हैं वो खुदा की प्रस्तुति नहीं कर रहे या फॉलोइंग नहीं कर रहे, वो मैसेंजरों की कर रहे हैं। वो हर एक मैसेंजर को अपने खुदा की तरह पूज रहे हैं, ये कहने का मतलब है। अच्छा, तो अज़ान ना, काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि अज़ान का मतलब समझाऊँ लोगों को, अज़ान का असल मतलब क्या है। तो उसमें थोड़ी मैं कोशिश करता हूँ, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना क्योंकि भूल जाता हूँ। अल्लाह हु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह ने जब हु किया तो हो जा, तो फिर ये बिग बैंग हुआ। तो ये जो अकबर, जिसको हम अकबर बोलते हैं, असगर, ये असगर है। ये दुनिया फिर भी छोटी है, अल्लाह इससे भी बड़ा है, कहने का मकसद ये है। ठीक है, ये जो गैलेक्सीज, ये जो सारे, अल्लाह ताला इनको अपने हाथ पर लपेट लेगा, अंदाज़ा कर ले, ये है अल्लाह हु अकबर। ठीक है, ये बिग बैंग है, ये असगर है, टाइम शुरू है। अल्लाह हु अकबर दो दफ़ा रिपीट करता है, मर्द और औरत दोनों ने। ठीक है, इसी लेवल पे आते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ, आई एम बेयर विटनेस, माय बॉडी इज़ बेयर विटनेस, माय एनवायरनमेंट इज़ बेयर विटनेस, द गैलेक्सीज आर बेयर विटनेस। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज अवर ओनर, देयर इज अवर गॉड, देयर इज अवर क्रिएटर। यू नो दिस वर्ल्ड इज नॉट रनिंग, दिस सिस्टम इज नॉट इन बाय automatically, there is one planner, there is some his systems। So ये second time repeat करना है मर्द औरत दोनों के लिए, ये reminder है। मैं गवाही देता हूँ कि इस system को चलाने वाला एक अल्लाह है। ठीक है, और ये जो systems चल रहे हैं ये उसी के चल रहे हैं, तो हमें सब्र और हिम्मत रखनी चाहिए और एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए, चाहे क्योंकि ये अल्लाह ताला ऊपर नीचे करता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, ताकि आजमाइश की जाए, ताकि आजमाया जाए कि तुम में से स्ट्रॉन्ग कौन है। फिर है जी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के रसूल हैं, जैसे कि पहले रसूल थे। तो इसको हमें थोड़ा ना स्टिंजी नहीं होना चाहिए, हमें दिल खोल के इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एतराफ़ करना चाहिए। दूसरे मजहबी लोगों के लिए कहता हूँ, जैसे मेरे साथ भी मोहम्मद शफी लिखा हुआ है, मोहम्मद शफी। तो ये मैसेंजर कोई भी हो सकते हैं, अरब से हो सकते हैं, मोहम्मद हो सकते हैं, सारे मैसेंजर हैं। अगर हम कहें कि ये मैसेंजर है ये मैसेंजर नहीं है तो फिर तो झगड़ा हो गया ना। तो कुरान मजीद उनका सबसे बड़ा जो मेरिकल्स है, अगर आप इनके ऊपर गौर कर लें तो आपको मोहम्मद के रसूल होने का कभी भी इनकार नहीं कर सकें। और अजीम व शान जो पूरी कायनात के लिए है, जो किसी कौम के लिए नहीं है, और यही दोहराना है दोबारा मर्द औरत दोनों के लिए। फिर आ जाता है हय्या अलस्सला, आओ सलात की तरफ। सलात का मायना है याद की तरफ, आओ याद की तरफ, आओ अल्लाह की याद की तरफ, आओ अपने मालिक की याद की तरफ। जो मालिक क्या है? जो इंसाफ करता है, जो प्यार करता है। मालिक कौन है? जो रहम करता है, जो मोहब्बत करता है। आओ अल्लाह की याद की तरफ। तो
जो दो दफ़ा रिपीट किया गया है ये मर्द औरत दोनों के लिए है, ठीक है। और फिर आओ फला की तरफ, हैयल अल फला, आओ फला की तरफ, और यही कामयाबी है, और यही कामयाबी है, यही कामयाबी है, यही हक का रास्ता है। और ये दो दफ़ा रिपीट किया गया है मर्द औरत दोनों के लिए, प्यार मोहब्बत, यही यही प्यार का रास्ता है। जेलस की रास्ता नहीं होना चाहिए, प्यार का रास्ता होना चाहिए, यही रास्ता है। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। फिर वही बात आ गई कि अल्लाह इस टाइम एंड स्पेस से बालातर है, अल्लाह इससे बालातर है, ठीक है। अल्लाह बहुत बड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई सुआ मगर उसके, मगर अल्लाह के। तो यहाँ के जितने भी फोर्स सोर्सेज हैं या जो भी आपको दिखाई देते हैं, ये खुदा नहीं है, ये उसके सोर्स है, ये उसके टूल्स हैं उस तक पहुँचने के लिए। हो सकता है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।